हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एसटी एकेडमी। मी ट्विंकल। फर्स्ट लेक्चर में आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा था, बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड का। तो प्लांट फिजियोलॉजी का आपने बेसिक पढ़ा था, वाटर पे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कैसे वाटर कनेक्ट है प्लांट से। अब आज आपको उसी के अंडर में, उसी लेसन में डिफ्यूज़न पढ़ना है, डिफ्यूज़न टॉपिक। तो पहले तो हम जाएंगे डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है। डिफ्यूज़न मतलब कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो रही है, स्प्रेड हो रही है, मीन्स प्रसार हो रहा है, कोई चीज़ फैल रहा है। तो क्या चीज़ फैल रहा है, किधर फैल रहा है, कहाँ से कहाँ फैल रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। आप लोग डेली बेसिस पे आपके लाइफ में हैपनिंग्स होती रहती हैं। क्या होता है कि कभी कभी आप लोग देखा होगा डिफ्यूज़न होता है, जैसे गुड स्मेल्स ऑफ अगरबत्ती, या ब्लोइंग ऑफ विंड, या फिर किचन में बहुत अच्छा डिलीशियस खाना बन रहा होता है, उसकी बहुत अच्छी अरोमा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये सब जितना भी फिनोमेना हो रहा है वो सारा डिफ्यूज़न प्रोसेस लग रहा है यहाँ पर। यानी कि सब कुछ ये जो हो रहा है प्रोसेस, ये सब डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहा है। तो हम बात करते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न है क्या, इसके डेफिनेशन पे आते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस या एनी सब्सटेंस, द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि मूवमेंट हो रहा है किसका, सॉलिड का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, गैस का हो सकता है, कहाँ से, देयर हायर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता की ओर से लेकर के नीचे सांद्रता की ओर तरफ। यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसका, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। तो डिफ्यूजन में ये जाना हमने कि कुछ मूव हो रहा है, क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दिया ब्लोइंग ऑफ विंड, यानी कि हवा चलती है तो उसमें कौन सा फिनोमेना लगता है, डिफ्यूजन का लगता है फिनोमेना। तो कैसे डिफ्यूजन का फिनोमेना लगता है, फॉर एग्जाम्पल फैन चल रहा है या ट्री लगा हुआ है, तो उस ट्री से जो एयर आ रही है, ब्लो हो रही है, हवा चल रही है, तो हवा वहाँ जहाँ पे चलती है वहाँ तो बहुत ज़्यादा हवा लगती है, अगर हम उससे दूर खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हवा वहाँ कम लगती है। तो इसीलिए क्या होता है कि हवा जो होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन या CO2 गैसेस का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वहाँ से मूव करते हैं, किधर से, हायर कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब एक फॉर एग्जांपल लिया हमने, किचन में फूड बनता है तो उसकी स्मेल आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, कि अगर डिलीशियस फूड बन रहा है तो और अच्छी आती है। तो क्यों, बन तो किचन में रहा है तो पूरे हाउस में क्यों जा रही है खुशबू, तो इसलिए क्योंकि जहाँ पे बन रहा होता है वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होती है किसकी, स्मेल की, फ्रेग्रेंस की, उसकी खुशबू। अगर पूरे घर में जाएगा तो कैसे जाएगा, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगा उसका। तो जो किचन होगा वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगा, और पूरे हाउस में वहाँ पे क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो वो खुशबू वहाँ तक ही भगेगी जब तक कि पूरे घर में खुशबू फैल ना जाए, यानी कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो जब तक कि मेंटेन ना हो जाए। तो डिफ्यूज़न की जो डेफिनेशन होगी वो यही होगी, द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर हम बात करें व्हाट इज कंसंट्रेशन, हाँ, पॉइंट शुड बी नोटेड, ये जो डिफ्यूजन टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, डिफ्यूजन टॉपिक आपके सेकेंड ईयर में पूछा जाएगा थर्ड पेपर में। हाँ, कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है, तो बताया गया है मेजर ऑफ वन पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को नापना, बताना इसका कितना अमाउंट है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। अभी जैसे बताया कि किचन में सबसे ज़्यादा खुशबू आ रही थी, तो यानी कि खुशबू के मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे वहाँ पर थे, तो हमें पता चल गया ना कि वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन था, और जहाँ पे कम खुशबू आ रही थी तो बोल रहे थे वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन था। तो जब तक कि ये खुशबू, ये फ्रेग्रेंस मेंटेन नहीं हो जाती, तब तक ये डिफ्यूज़न प्रोसेस
चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। अगर हम बात करें कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन सपोज दैट एक हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में वाटर फिल अप कर दिया और एक तरफ हमने क्या लिया, सॉल्ट। सॉल्ट एक आप बात यहाँ कह सकते हैं, सॉल्ट है यहाँ पर सॉल्यूट और जो वाटर है यहाँ पर वो है सॉल्वेंट। जिसको हम मिलाते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट, यानी जिसको हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसमें मिलाते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा और जो सॉल्यूट होगा वो होगा सॉल्ट। सपोज दैट इसमें हम 1 स्पून ऐड कर दें सॉल्ट को, यानी कि सॉल्यूट को ऐड कर दें किसमें, सॉल्वेंट में। तो ये जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ही तेजी से रैंडमली मूव करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एनर्जी बहुत होती है। स्मॉल पार्टिकल के पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उनके पास। वो मूव करेंगे तो वो जो मूव करेंगे तो घुल जाएगा इसमें, तो इन दोनों का मिक्सचर जो कहलाएगा वो कहलाएगा क्या, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कलर सॉल्ट। एक और बीकर हमने लिया, उस बीकर में वाटर फिलअप कर दिया और कलर सॉल्ट हम यहाँ से डालेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें तो एक साइड से डाल रहे हैं लेकिन ये फैल सब में क्यों जाता है, फैल यानी कि एक कॉर्नर से हम पोर कर रहे हैं, उड़ेल रहे हैं किसको, कलर सॉल्ट को, तो इस चारों तरफ पूरे बीकर में क्यों थ्रू आउट हो जाता है, क्यों फैल जाता है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, डिफ्यूज़न, हम डिफ्यूज़न पढ़ रहे हैं। डिफ्यूज़न में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट किसका, सॉलिड लिक्विड और गैस का। तो यहाँ पर एक कॉर्नर से कलर सॉलिड को यहाँ पर हम पोर करेंगे, डालेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हायर कंसेंट्रेशन होगा, तो ये मूव करेगा पूरे बीकर में, मूव करेगा यूं पूरे बीकर में ये मूव करेगा, जब तक कि, कब तक कि मूव करेगा, अभी मैंने बताया, जब तक कि इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाएगा, जब तक कि इसमें सेमनेस नहीं आ जाएगी, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर जाएंगे सेमनेस करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, तब तक कि ये मॉलिक्यूल्स घूमते रहेंगे, यानी कि तब तक ये प्रोसेस कौन से चलती रहेगी, डिफ्यूज़न चलती रहेगी। तो यानी कि कलर सॉल्ट कहाँ से कहाँ तक मूव हुआ, हाई टू लोअर, क्योंकि क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉइल लिक्विड और गैस फ्रॉम दियर हायर कंसेंट्रेशन टू दियर लोअर कंसेंट्रेशन। सपोज दैट हम ये डिफ्यूज़न करें एक अनदर बीकर में, तो क्या हम बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दें, सपोज दैट एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे हम लगा देते हैं बीच में, यानी कि दो पार्ट हो गए इसके, एक पार्ट और एक बी पार्ट। एक पार्ट में हम पहले क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, अभी सॉल्ट नहीं डालेंगे, ठीक है, पहले हम वाटर डालते हैं। तो वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पता है सबको, ये कोई सेल वॉल है जो कि कैसे इन नेचर है, सेमी परमिएबल। पहले तो हम वर्ड बाय वर्ड जानेंगे सेमी परमिएबल क्या होता है। सेमी मतलब कोई आधी चीज़ जाएगी, या तो सॉल्यूट जाएगा या फिर सॉल्वेंट जाएगा। परमिएबल यानी कि परमिशन देगा मेम्ब्रेन, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे जब हम कोई चीज़ डालेंगे तो वो या तो वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा यानी सॉल्वेंट जाएगा, या फिर सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जाएगा इस मेम्ब्रेन के इस साइड में, ठीक है। तो जब हम सेल वॉल लगा देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, तब क्या होता है कि जितने भी वाटर होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, क्योंकि सेमी परमिएबल, आप हमेशा याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस नेचर की होती है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमेशा जिसको लेती है एंट्री होती है तो उसमें सिर्फ सॉल्वेंट की एंट्री होती है, सॉल्यूट की एंट्री नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट की एंट्री होगी, सॉल्यूट की एंट्री नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इस कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट ए में हम सॉल्ट को डालते हैं, तो क्या होगा कि ये सॉल्ट इसी कंपार्टमेंट में रह जाएगा, इसी कंपार्टमेंट में पार्टिकल इसके मूव करते रहेंगे, डिजॉल्व होने की कोशिश करेंगे, वाटर से मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बताया था वाटर और सॉल्ट जब मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनना स्टार्ट होगा, बट बीच में हमने क्या लगाया है, सेल वॉल, कौन सी, सेमी परमिएबल इन नेचर वाली सेल वॉल हमने लगाई है,
जो सॉल्ट है ये इसमें मूव कर जाएगा, तो यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा कंसंट्रेशन इस सॉल्ट का। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अभी तो हमने बताया कि जो कंसंट्रेशन होता है हाई टू लो मूव करता है, तो यहाँ पे तो क्यों नहीं मूव हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी है, एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ हुई है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमेशा सॉल्वेंट को एंट्री देती है, सॉल्यूट को एंट्री नहीं देती है, क्योंकि अभी बताया सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। तो अब यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो इसमें ज़्यादा होंगे कि इसमें ज़्यादा होंगे, दिमाग लगाओ। तो सबसे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, बी में होंगे, यानी कि ए में वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा वो ए में कम होगा इन कंपेरिजन टू बी कंपार्टमेंट। तो बी कंपार्टमेंट वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो अब आप जान सकते हैं कि जो मूवमेंट होगा वाटर का वो किस साइड से किस साइड की ओर जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि बी कंसंट्रेशन टू ए की तरफ जाएगा कि एक ए से बी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है ए कंपार्टमेंट में वो लो है और बी में वाटर का हाई है। तो हम डिफ्यूज़न पढ़ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि ए टू बी जाएगा यहाँ पे कि बी टू ए जाएगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि वाटर यहाँ पे प्योर है, हमेशा याद रखिएगा पॉइंट शुड बी नोटेड कि प्योर सॉल्यूशन का मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मूव करेगा बी टू ए मूव करेगा, वाटर इस साइड में बी टू ए क्यों मूव करेगा, जब तक कि दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, ओके। तो डिफ्यूज़न हमने जान लिया, डिफ्यूज़न क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन। अभी और भी एग्जाम्पल हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एटमोसफेयर से रिलेटेड, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ओके। और ट्री की बात करते हैं, ट्री फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, रिलीज क्या करता है हमारे लिए, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और हम क्या रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं CO2। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, सपोज दैट ये प्लांट है, इस प्लांट में CO2 बहुत ज़्यादा है, O2 की मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर O2 की मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, और इन्वायरमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर में CO2 की मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट में हम लोग हैं, CO2 की मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा है, ऑल अराउंड द एटमॉस्फेयर CO2's मॉलिक्यूल इज़ वेरी हाई अकॉर्डिंग टू प्लांट। तो हम यहाँ पर डिफ्यूज़न की प्रोसेस लगाने वाले हैं, डिफ्यूज़न के प्रोसेस में यहाँ पे क्या होगा, अभी बताया मूवमेंट कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन। तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो लीव में है और CO2 तो यहाँ पे है, तो जो ये एंटर्स करता है स्टोमेटा के थ्रू, आप लोग को पता है लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल टिनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर, इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन होगा किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, जिस तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा उस तरफ ये मॉलिक्यूल स्टोमेटा के थ्रू बाहर मूव करेंगे, यानी कि तब तक ही मूव करेंगे जब तक कि मेंटेन हो जाए, बट ये लाइफ है तो ये ऑल टाइम मूव करते रहते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आ जाएगी एटमॉस्फेयर में, अब यहाँ पे CO2 एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है और प्लांट में CO2 की कंसंट्रेशन कम है, सिमिलरली CO2 क्या करेगा, इधर मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ज़्यादा है तो किधर मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन। तो ये हो गया डिफ्यूज़न। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न प्रेशर, क्वेश्चन नंबर एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज़न प्रेशर। तो हम बात करते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर की, डिफ्यूज़न प्रेशर
डिफ्यूजन प्रेशर, यानी कि जो डिफ्यूजन का फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है उसमें कोई प्रेशर लग रहा है, कोई दाब लग रहा है। तो कैसे दाब लग रहा है? सपोज दैट ये एक बीकर है, ये एक मीडियम मान सकते हैं, एक मीडियम है ये, और एक ये अनदर मीडियम है। इसमें मॉलिक्यूल्स कम है, इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, और हमें यहाँ पे करना क्या है, डिफ्यूज़न प्रेशर लगाना है। तो कैसे लगेगा डिफ्यूज़न प्रेशर? तो डिफ्यूज़न आप लोग को पहले से पता है कि हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा क्या, पार्टिकल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे हायर टू लोअर। तो यहाँ पे कैसे मूव करेंगे? तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके हाथ पैर तो होते नहीं है, तो कैसे मूव करेंगे? ये मॉलिक्यूल इसको धक्का देगा, कहेगा थोड़ा आगे बढ़ो भाई, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो क्या करते हैं, थोड़ा मेंटेन करते हैं ना डिस्टेंस को, ताकि सेमनेस आ सके, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भाई आगे बढ़ो, आप भी आगे बढ़ो। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कहेंगे कि ज़रा आप आगे बढ़ो, ज़रा आप आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने बढ़ने में वो हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन पहुँच जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रेशर लगा रहे, फोर्स कर रहे हैं। तो ये जो प्रेशर लग रहा है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो प्रेशर लग रहा है उसी प्रेशर को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रेशर लग रहा है, कब लग रहा है प्रेशर? जब वो मूव कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन। ये जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। एक बात ये, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर मतलब डीपी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर, ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दियर अमाउंट ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। यानी कि जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। अब बात तो समझ में आ रही है, वर्ड बाय वर्ड हम टर्म क्लियर करें। अमाउंट किसका? डिफ्यूजिबल सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस जो डिफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि जो फैल रहे हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स जो राउंडेड देख रहे हैं आप लोग, ये मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है, जहाँ पे ज़्यादा होता है तो वो मूव करते हैं और जल्दी। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फुल प्रेशर लगाते हैं। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, इनमें हर मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी होती है, एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी दूसरे को मेंटेन करना होता है। तो जैसे हम टेम्परेचर, सपोज दैट यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड कर दें इस बीकर को, इस मीडियम में हम हीट प्रोवाइड कर दें, तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स और तेज मूव करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स और तेज मूव करेंगे। तो यानी कि जो डिफ्यूज़न प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज़्यादा अमाउंट होगा डिफ्यूजिबल सब्सटेंस का, उतना ज़्यादा ये प्रेशर लगाएंगे, उतना ज़्यादा ये मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और जल्दी मूव करेंगे, यानी कि दो बातों पर ये डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिफ्यूज़न को, यानी कि कौन कौन से कारक डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। अभी जो मैंने लिखा था आप इसको नोट कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो डिफ्यूज़न में हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि कुछ कारक हैं जो प्रभाव कर रहे हैं, किसको, डिफ्यूजन की दर पर प्रभाव कर रहे हैं। डिफ्यूजन हमने अच्छे समझ लिया, आ गया समझ में डिफ्यूजन क्या होता है? क्या होता है डिफ्यूजन? मूवमेंट एनी सब्सटेंस का, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, किधर से किधर, हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन।
बट कुछ बात की जा रही है कि वो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी कि कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। अब वो फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि हर चीज़ का दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताए जाएंगे। पहला है टेम्परेचर। सेकेंड है अमाउंट ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट है साइज ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो ये फैक्टर्स हो गए, ये प्रभावित करते हैं डिफ्यूजन को पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरह से। तो फर्स्ट की बात करेंगे हम टेम्परेचर की। तो जो डिफ्यूजन है पहले पढ़ चुके हैं, हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन मूव होगा एनी सब्सटेंस का। तो टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा? तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो पॉजिटिवली अटैक करेगा। जितना ज़्यादा, अभी मैंने डायग्राम बनाया था, जितना ज़्यादा बीकर को हम हीट करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर की मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे। बिकॉज मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, वो मूव करते हैं, एक दूसरे को प्रेशर देते हैं। वहाँ पे कौन सा प्रेशर अप्लाई होगा? डिफ्यूजन प्रेशर अप्लाई होगा। वो मूव करेंगे किधर से किधर? हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या समझा कि टेम्परेचर को जितना ज़्यादा हम हीट करेंगे या जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, डिफ्यूज़न उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। सेकेंड आता है अमाउंट ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, यानी कि डिफ्यूजिबल सब्सटेंस का अमाउंट पे डिपेंड करता है क्या डिफ्यूजन। जितना ज़्यादा डिफ्यूजन, डिफ्यूजिबल सब्सटेंस ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो मूव करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्राउडेड एरिया हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। तो मूव करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर उनको स्पेस मिलेगा। कब तक की मूव करेंगे? जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाएगा, जब तक कि सेमनेस नहीं आ जाएगी तब तक वो मूव करेंगे। यानी कि अमाउंट ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट या डिफ्यूजन प्रेशर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, साइज ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, यानी कि जो डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है अब उनके साइज की बात हो रही है। अभी तक की अमाउंट की बात हो रही थी, अब साइज की बात हो रही है। तो जितना ज़्यादा डिफ्यूजिबल सब्सटेंस का साइज छोटा होगा उतना जल्दी वो मूव करेंगे। अगर उनका साइज बड़ा हो गया तो वो उनको टाइम लगेगा। तो यानी कि जब साइज उनका छोटा होगा डिफ्यूजिबल सब्सटेंस का, तो वहाँ पर जो रेट होगी डिफ्यूजन की, जो दर होगी, वो प्रसार की जो दर होगी वो और ज़्यादा तेज चलेगी। यानी कि यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट होगा, डायरेक्टली पोषण होगा। अगर इसका साइज बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, यानी कि जो डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पे। यानी कैसे डिपेंड कर रहा है? पॉजिटिवली कर रहा है कि नेगेटिवली, इसकी बात करेंगे हम। मीडियम, सपोज दैट एक रूम है, एक तरफ छोटा रूम है, एक तरफ बहुत बड़ा हॉल है या बहुत बड़ा रूम है, और उसमें हम कूलर ऑन कर देते हैं, कूलर चला देते हैं। जो छोटे वाले रूम में जो कूलर होगा चलेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होगी कि वो उसका रूम का जो मीडियम है वो बहुत छोटा है। और जिसमें हॉल में चलाएंगे वहाँ पर जो कूलर की एयर होगी, कूलिंग एयर होगी, वो इतना ज़्यादा कूल नहीं कर पाएगी। तो यानी कि मीडियम का अगर साइज छोटा है तो वहाँ पर डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। अगर मीडियम बड़ा है, मीडियम का साइज बड़ा है, मीडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिफ्यूज़न कम करेगा।
यानी कि वहाँ पर हवा कम लगेगी कूलर की, अगर छोटा रूम है तो वहाँ पर बहुत जल्दी एयर मूव करेगी। अब बात करते हैं डेंसिटी की, यानी कि घनत्व की, मतलब वेट की बात करते हैं। तो वेट किसकी बात हो रही है? डिफ्यूज़न की बात हो रही है, हम डिफ्यूज़न पढ़ रहे हैं। तो डिफ्यूज़न में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूट होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड हो या लिक्विड हो, गैस हो, एनी सब्सटेंस हो, तो ये क्या करेंगे, इनका जो डेंसिटी होगी, इनका जो भार होगा, जो इनकी जो वेट होगी, अगर ज़्यादा साइज के हैं या ज़्यादा उनका वेट है तो वो रैंडमली क्या मूव कर पाएंगे? से यस ऑर नो? नहीं कर पाएंगे, ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको मूव करने में, प्रेशर लगाने में, डिफ्यूज़न प्रेशर लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर यही भी बात करें किसी भी मॉलिक्यूल्स का, उनका जो डेंसिटी है वो कम है, ग्राम्स लॉ क्या कहता है? ग्राम्स लॉ क्या कहता है? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट डी, यानी कि रेट ऑफ जो डिफ्यूज़न होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा होगा किसके? वेट के। ओके, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा? अगर रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा है तो यानी कि जो वेट है किसका? मॉलिक्यूल्स का, वो कम है इसलिए ज़्यादा है। अगर मॉलिक्यूल्स का वेट ज़्यादा हो जाएगा तो डिफ्यूज़न क्या होगा? कम हो जाएगा। तो फिर से बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं डिफ्यूज़न की दर को, प्रसार की दर को। पहला था टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम मॉलिक्यूल्स का बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल्स एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे, वो उतनी तेज़ दौड़ेंगे, भागेंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, रैंडमली वो मूव करेंगे। यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूज़न। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, यानी कि जितना ज़्यादा अमाउंट होगा सब्सटेंस का, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितना ज़्यादा क्राउड होगा मॉलिक्यूल्स का, सॉल्यूशन का, सॉलिड लिक्विड और गैस का, एनी सब्सटेंस का, वो उतनी जल्दी मूव करेंगे, वो उतनी जल्दी डिफ्यूज़न प्रेशर लगाएंगे। नेक्स्ट है साइज ऑफ डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, यानी कि जितना ज़्यादा कम साइज होगा मॉलिक्यूल्स का, उतनी जल्दी वो भागेंगे। अगर उनका साइज बड़ा होगा तो वो उनका डिफ्यूज़न प्रेशर वहाँ पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम जितना छोटा होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, मीडियम अगर बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे डिफ्यूज़न कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, उल्टा है। डेंसिटी यहाँ भी ऐसे ही, जितना ज़्यादा वेट होगा मॉलिक्यूल्स का, उतना कम डिफ्यूज़न वहाँ पे होगा। अगर मॉलिक्यूल्स का वेट बहुत कम है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शन, अपोजिट हो गया। तो आपको डिफ्यूज़न समझ में आया? अब ये डिफ्यूज़न कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आपको पढ़ाना है वो है परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी परमेबिलिटी, यानी कि वर्ड बाई जाए वर्ड तो क्या कह रहा है? परमिशन। अभी जैसे यहाँ पे बताया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई थी, जो सेलवॉल थी वो सेमी परमेबल इन नेचर थी, तो कैसी थी? यानी कि वो किसी एक सब्सटेंस को ले रही थी, यानी कि वो सिर्फ सॉल्यूट को ले रही थी, सॉल्यूट को नहीं ले रही थी, वो सिर्फ सॉल्वेंट को ले रही थी। सॉल्वेंट वहाँ पे क्या था? वाटर था। सॉल्यूट क्या था? कलर्ड सॉल्ट थे। तो परमेबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है, द एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द मेम्ब्रेन, द एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस, द एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द membrane is known as permeability. एक नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमेबिलिटी क्या है तो आप इसको समझ लीजिए।
क्या कह रहा है, द एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द मेम्ब्रेन इज नोन एज परमेबिलिटी। जैसे अभी इससे पहले एक मेम्ब्रेन ली गई थी, सेल मेम्ब्रेन ली गई थी, तो वो कैसी नेचर थी, सेमी परमेबल थी, तो वही आपको पढ़ना है। तो यानी कि मेम्ब्रेन में आना और जाना, एंट्री और एग्जिट किसका, सब्सटेंस का, वो क्या कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, परमेबिलिटी यानी परमिशन। सेल मेम्ब्रेन से परमिशन लेना है कि कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, कौन सा योग्य है, एबिलिटी लिखा है ना, कौन सा योग्य है कौन सा नहीं योग्य है सब्सटेंस, कौन सा सॉल्यूशन योग्य है कौन सा सॉल्वेंट नहीं योग्य है, वो नहीं जाएगा। तो जो परमेबिलिटी होती है वो चार तरीके होती हैं, यानी कि परमेबल मेम्ब्रेन चार तरीके, परमेबिलिटी चार तरीके होती है, इसमें चार तरीके की मेम्ब्रेन होती है। पहली फर्स्ट है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड है परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड जो लास्ट है आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो परमिबिलिटी का जो फिनोमेना है, यानी कि परमिशन एबिलिटी, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, इसके टर्म्स को और क्लियर करें, यानी कि परमिशन दिया जा रहा है मेम्ब्रेन में कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, किसकी एंट्री होगी किसकी एग्जिट होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। तो जो मेम्ब्रेन होती है प्लांट की बॉडी में, जो सेल वॉल होती है, उसमें कई तरह की लेयर्स होती हैं, कई तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो वो चार तरह की होती हैं, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और लास्ट है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वर्ड बाय वर्ड जा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि कोई चीज़ होगा जो किसी भी चीज़ को वो आए नहीं देगा, वो मेम्ब्रेन ना तो वो सॉल्यूट को अंदर आए देगी ना तो सॉल्वेंट को अंदर आए देगी, तो वो क्या कहलाती है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एग्जांपल आता है रबर शीट का, एग्जांपल है यहाँ पर रबर शीट, रबर शीट। फाइव नंबर में क्वेश्चन पूछा आता है, सेकंड ईयर में फाइव नंबर में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज परमिएबिलिटी एंड ऑल्सो राइट दिस।